एवरीवन, मैं शाइस्ता और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड AIC न्यूज। और आज हम खड़े हैं गुड़गांव के एक स्टेडियम में जिसका नाम है एवेंटिनोर रॉयल, और यहाँ एक मैच चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं मिस्टर मनी से, जो अभी बस बैटिंग करके आए हैं और अब इनकी फील्डिंग चल रही है, तो उन्होंने बहुत गजब बैटिंग करी है। चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सुना है बहुत गजब बैटिंग करी आपने। अच्छी रही, काफ़ी अच्छी रही, मज़ा आ रहा था बैटिंग करने में, विकेट बैटिंग के लिए अच्छी थी। और आपको क्या लगता है आपकी टीम जीतेगी? होप तो है, बाकी दोनों टीम अच्छी है, 50-50 है। तो अभी क्या स्ट्रैटेजीज बना के आए थे आप अपनी टीम को जिताने के लिए? स्टार्ट अच्छा देना था, स्टार्ट तो अच्छा नहीं दे पाए, बट मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे कि रन रोकेंगे। दोनों टीम इक्वल है, कुछ ऐसा नहीं कह सकती वो हारेगी हम जीतेंगे, कुछ नहीं कह सकते। चलिए एक और प्लेयर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसा चल रहा है मैच। सर बताइए कैसा चल रहा है मैच अभी? मैच का माहौल अभी बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों टीमें आपस में अच्छी फाइट कर रहे हैं, एक ही टीम है आपस में खेल रहे हैं, कोई वो नहीं, प्रैक्टिस मैच है, बाकी देखते हैं क्या चलता है मैचों में। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा कर रही है? आप अपनी टीम को तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। सभी कर रहे हैं, अभी विनिंग पोजीशन में है, अच्छा टारगेट चेस कर रहे हैं, हमारे ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट करा है, कैप्टन हमारे राहुल बत्रा अच्छा स्टार्ट दिया है, मेन बॉलर्स की पिटाई भी करी है, बट देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। और फॉर द बेस्ट TLL टीम के कैप्टन, चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है मैच का। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या क्या चल रहा है मैच में अभी, बताइए। अभी तो अच्छी सिचुएशन है, जीत जाएंगे फिलहाल तो, अच्छा स्टार्ट मिल गया, 100 रन चाहिए कुछ 13-14 ओवर में। और अभी आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा आपको कम्पीट करेगा यहाँ पे? अब कोई नहीं, इनकी टीम में कोई नहीं बचा है, जीत गए। कितना कितना स्कोर आपने एक्सपेक्ट किया था और कितना आपका स्कोर हुआ है अभी तक? जितना एक्सपेक्ट करा था उतना सही हुआ है, सामने वाली ने एक्सपेक्ट नहीं करा जितना उन्होंने बना दिया, फिर भी वन साइड हो जाएगा मैच। दूसरी टीम को बिल्कुल भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, आपको क्या लगता है? कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो हम आपको विशेस, बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जरूर। थैंक यू। और अब बात करते हैं हम टीम के ऑलराउंडर से, चलिए देखते हैं उन्होंने उनका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक। सर क्या एक्सपीरियंस रहा, आप अपनी मैच खेल के आए हैं, कैसा रहा? अभी तक तो काफ़ी अच्छी हमारी बैटिंग चल रही है, अगर ऐसी रहा तो हम इजीली मैच चेस कर देंगे। तो आपको क्या लगता है दूसरी टीम में कौन बहुत ज़्यादा कम्पीट आपको कर रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा डर है? दूसरी टीम में अभी तक हमें लग रहा है कि बन्नू भैया जो हैं, बनिंदर सिंह जी, उनके अभी 4 ओवर का स्पेल बचा है, वो थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं, अदरवाइज अगर हम उनको खेल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऑलराउंडर हैं, आपको लगता है कि आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कमाल करेंगे? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं करूँगा बॉलिंग, हालांकि मेरे 3 ओवर का स्पेल शुरू में अच्छा था, लास्ट ओवर में थोड़ी सी मुझे पिटाई पड़ गई जो मनी भैया ने करी, अच्छी उन्होंने कहा बैटिंग करी, अब पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारी टीम इजीली टारगेट चेस कर सकती है। नेचुरली गुड, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अपनी टीम को जिताने के लिए। चलिए इनसे बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या लगता है कि आपकी टीम जीतेगी अभी? ऑब्वियसली हमारी टीम ही जीतेगी, अभी तक इनके रन तो खैर ज़्यादा है, बट स्टिल हम अभी कर सकते हैं, विकेट इनकी काफ़ी गिरा सकते हैं, उसके बाद इनके बैट्समैन इतने अटैकिंग है नहीं, आके टाइम लेंगे विकेट पे, सो हम जल्दी विकेट गिरा के मैच भी जीत सकते हैं। अब टीम के मेंटर सर जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही है। सर क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रही है अभी? वाज वेरी सिंपल टू प्ले 20 ओवर्स, बट आई थिंक वी हैव लॉस्ट 2 विकेट्स टू मेनी, एंड इफ आवर करंट बैट्समैन प्ले अराउंड अबाउट 7-8 ओवर्स ऑन एन एवरेज अराउंड 50s, I think match would be under control. Right now, match is evenly poised because of the wickets. So I hope they are able to win the match. दोनों टीमों में से आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगी? कौन अच्छा कर रही है? Both teams are evenly matched. We as a batsman, batting team, we bat deep, so we will win. अभी तक क्या आपको लग रहा है as a team mentor आपको कि कौन man of the match जीत के जाएगा? Man of the match, I think Mani has played outstandingly well,
and his inning might be a difference. But just how our captain Rahul started the innings, so I think match is under control. चलिए वो तो हम जानेंगे ज़रूर कि कौन मैन ऑफ द मैच लेके जाएगा, वो हम कॉन्टिन्यूली मैच देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, तो हम मैच के साथ बने रहेंगे आप. Congratulations TLL Heroes for winning one of the internal match. It was a fun. We'll start with the Guest of Honor Award. And we have two Guest of Honors. One is here, Mr. Jaggi. Raul Bhaiya. Another one is Mandeep Singh. He's not here, but with the Best Batsman Award, and it goes to Manny Grewal. Next is Best Bowler, and it goes to Harshit. Man of the Match, and it goes to